लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सबसे पहले लाइव लगातार की ओर से आप सबको ओम नमः शिवाय। जी हाँ, इस समय मैं खड़ा हूँ जिले के प्रमुख मंदिरों में से एक झरनाकुंड धाम में। झरनाकुंड धाम इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एक समय था जब यहाँ पे झरना बहता था और यहाँ भगवान शिव की स्थापना की गई थी। ये बरसों पुरानी कहानी है। हम आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर और फिर हम बात कराएंगे यहाँ के कर्ता धर्ता लाल बाबा से कि वो यहाँ की विशेषता के बारे में बताएं। आइए पहले हम लाल बाबा से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाबा आपको ओम नमः शिवाय। ये इस मंदिर की क्या विशेषता है और कितने समय से लोग पूजा करते आए हैं यहाँ पे? यहाँ तो 100 वर्ष पहले से ही पूजा पाठ चल रहा है। यहाँ पर पहले झरना बहता था, नदी था यहाँ पे, और यहाँ शिवालय है बाबा भोले का। ये लोग आते जाते रहते हैं, पूजा हो रहा है यहाँ से। बहुत प्राचीन शिवालय है यहाँ पे। क्या है यहाँ की मान्यता और लोगों की मनोकामना कैसे पूरी होती है? मनोकामना बाबा भोले के पास में आते हैं, जो श्रद्धा देते हैं सही आत्मा से आते हैं बाबा भोले, उनका मनोकामना पूरा करते हैं। और इस मंदिर की और कोई विशेषता कि यहाँ जल उठा के लोग कहीं जाते हैं? यहाँ से जल उठ करके घर अधारी जाते हैं। कितना दूरी होगा यहाँ से? कितना किलोमीटर? यहाँ से करीब कम से कम 10-12 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर। आपने सुना लाल बाबा को इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पहले कभी झरना बहता था लेकिन समय अंतराल से में ये झरना बंद हो चुका है। कहीं कहीं कभी पानी आप देख सकते हैं, लेकिन इस शिवालय का एक अपना महत्व है। लोग सच्चे श्रद्धा से या सच्चे मनोकामना से जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। लाल बाबा से हम ये भी जाने कि यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ध्वजाधारी पहाड़ी मंदिर है जो जिले के प्रमुख शिव मंदिर में नंबर 1 पे आता है। और उस मंदिर पे लोग क्योंकि मनोकामना पूर्ण होने के बाद ध्वजा त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। वो जो भी वहाँ पे जल चढ़ता है, जो लोग पैदल यहाँ जाते हैं वो इसी मंदिर से जल उठाते हैं। आइए हम आपको मंदिर के दर्शन। ये इस मंदिर का शिवालय है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं और पूरे सावन भर आप यहाँ पे भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि लोग रुद्राक्ष और भी जो बड़ा पूजा होता है या मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग रुद्राक्ष वगैरह कराते हैं और यहाँ पूजा करके जाते हैं। सभी के साथ यहाँ आने के बाद ये आप ये कह सकते हैं कि ये झरनाकुंड मंदिर जो है ये पूरा जो है प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। चारों ओर आप देख सकते हैं कि हरियाली पूरा बनी हुई है और हरियालियों के बीच में भगवान शिव यहाँ बिराजते हैं और लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली फिर मिलेगा हम अगले मंदिर की ओर। तब तक के लिए आप सबको ओम नमः शिवाय, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।